प्रतिबंधित पॉलिथीन और थर्माकोल के बर्तनों के विरुद्ध नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित पॉलिथीन और थर्माकोल के बर्तनों का कारोबार थोक और फुटकर व्यापारी चोरी छिपे धड़ल्ले से कर रहे हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में खूनीपुर के एक थोक व्यवसायी के गोदाम पर छापेमारी की गई। एडीएम सिटी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत छापेमारी करके 50 क्विंटल के प्रतिबंधित पॉलिथीन और थर्माकोल के बर्तन जब्त किए गए, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख से ज़्यादा है। प्रतिबंधित पॉलिथीन रखने के जुर्म में व्यापारी पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। अभियान में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह सहित नगर निगम और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हम लोग सारा चलान लिख के भी भाग जाते हैं, जल्दी जल्दी भी लाओ। टैक्स वाला थोड़ी है कि कहाँ कहाँ जाएगा, आ रहे हैं पैसा ले। तब तक कमिश्नर साहब का फोन आने लगा कि वो बीसी थी ना, कल उसी को मिल गई है। लादी ले यहाँ के नौकर आदमी हो गए कौन सी जगह मार दे बहुत हो जाए नहीं है ना। इसका इस्तेमाल शासनादेश और शासन के नियमों के अनुरूप गोरखपुर में पॉलीथीन को पकड़ने का अभियान पिछले एक सप्ताह से नगर आयुक्त गोरखपुर के नेतृत्व में चल रहा है, जिसमें मैं एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत सिंह, डीके सिन्हा साहब अपर नगर आयुक्त, लोकल थाने के पुलिस ऑफिसर्स डॉक्टर साहब, ये सब लोग टीम में शामिल हैं। एक गोडाउन में इस्माइलगंज में हम लोगों ने लगभग एक ट्रक पॉलीथीन को पकड़ा है और 50,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया है। ये अभियान जारी रहेगा।